अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। इसके मुंह में कालिक पोत के सारे शहर में घुमाओ, तब इसे पता चलेगा चोरी करने का अंजाम क्या होता है। इंसान से एक गलती क्या हो गई, आपने तो उसकी पहचान ही बना दी। जब मन आया आपने उसे अपराधी ठहरा दिया। पहली बात, पार्थ एक अपराधी नहीं है, वो किसी और की सजा काट कर आए हैं। और वो भी छोड़ो, जब उन्होंने अपनी सजा काट ली है और कानून ने उन्हें रिहा कर दिया है, तो आप सब कौन होते हो उन्हें सजा देने वाले। इस हिसाब से तो आप सब भी अपराधी हुए, क्योंकि आप सबको भी सजा मिलनी चाहिए किसी को प्रताड़ित करने के लिए। और आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि चोरी पास ने की है? कोई सबूत है किसी के पास? मेरा 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 तुम ये क्या कर रही हो? हम सब संभालेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तुम आप कानून है जो इनकी सजा तय करेंगे। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं होता कि आप इनको सजा दें। और अगर किसी से कोई गलती हुई भी है तो उससे निपटने के और तरीके हैं, कानून है। हमें लगता है हीरे इसने घर पे छुपाए हैं। तो अगर ऐसा है तो आप पुलिस को बुलाइए और तलाशी कराइए। ठीक है, तुम सब एक काम करो, पुलिस को बुलाओ और हम सब चलते हैं इसके घर। और अगर हीरे तुम्हारे घर नहीं मिले ना, तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। और अगर हीरे घर में मिल गए ना, तो याद रखना ये तुम्हारे लिए आखिरी गलती होगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कुछ करने लायक छोड़ेंगे नहीं हम। चलो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बात, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि आपने चोरी नहीं की है। पता नहीं ये मीरा बिना बताए कहाँ चली गई। पार्थ की दुम चली है, कहाँ होगी? जहाँ पार्थ होगा वहीं होगी। वो अपने पति का ख्याल रखती है, फिकर करती है, पर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने अपने पति के साथ ऐसा कुछ तो किया ही नहीं है। हाँ हाँ, पार्थ छोटा बच्चा जो है, जो उसकी हर बात में ध्यान रखनी पड़ती। हमारे वक्त ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे पति बड़े जो हो गए थे। तुम्हारे बच्चों का तुमने कितना ध्यान रखा है ना, हम जानते हैं। तो अभी चुप रहो। लो आ गए दोनों। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से तलाशी लीजिएगा, हमारे हीरे आपको यहीं मिलेंगे। हीरे? किस हीरे की बात हो रही है? देखिए, इनका कहना है कि पार्थ ने इनके हीरे चोरी करके
अपने घर में छुपा दिए हैं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा पास चोरी नहीं कर सकता, हम इनके बड़े भाई हैं, गर्व ठाकुर। हमें तो जानते ही होंगे आप, इस शहर में नाम है हमारा। जानते हैं, आपकी जितने हीरो की कीमत है ना, उतनी तो चैरिटी कर देते हैं हम महीने में। हमें हमारे भाई पे पूरा भरोसा है, वो कुछ भी कर सकता है पर चोरी जैसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से हम पागल है ना, पुलिस वालों को लेके मुंह उठा के आपके घर चले आए? सुनिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए गर्व जी, अब इल्जाम लगा है तो तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी कानून स्टेटस और बाकी चीजें नहीं देखता। आप तलाशी ले लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने चोरी की ही नहीं है। जी आप अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले लीजिए, लेकिन जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक आप इन्हें चोर मत बोलिए प्लीज। पूरा हॉल छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। सर आप पूरे घर की तलाशी कराइए, हीरे यहीं मिलेंगे आपको। आपका कमरा कहाँ है? वो ऊपर ऊपर, वहां जाओ, ऊपर जाकर चेक करो। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, चले चलो। रुको एक मिनट, सर हीरे मिल गए हैं। हाँ सर यही है हमारे हीरे, पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं चलो लेकर चलो इन्हें। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज सुनिए, प्लीज प्लीज हमारे पास को मत लेके जाइए, उन्होंने चोरी नहीं की है। देखिए इंस्पेक्टर, हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कुछ भी कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता है।
हो सकता है गलती से इसके पास हीरे आ गए। इसे छोड़िए आप प्लीज। देखिए सर, सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। चलो एक मिनट। अरे मदन, बताओ कैसे याद किया आज हमें? वो हुआ, दरअसल एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हो गई? कुछ गलत फहमी के रहते हमारे छोटे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक बार उनसे बात कर लीजिए प्लीज। देखो मदन, हम जानते हैं तुम हमारे खास आदमी हो, लेकिन अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, जनता के साथ साथ अपोजिशन भी हमारे खिलाफ है, तो इस समय अगर हम कोई भी गलत काम में हाथ डालेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। I'm sorry मदन, इस बार तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। सर एक मिनट। मदन, क्या बोला मंत्री जी ने? मना कर दिया मां। चलो। नहीं, एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लीजिए, 2 लाख है आपके लिए। हमें लगता है इतना काफी होगा। अरे देख क्या रहे हैं सर, रख लीजिए, एक छोटा सा गिफ्ट है आपकी फैमिली के लिए। गर्व जी, जब हमें पता है कि पार्थ ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप ये रिश्वत देकर उन्हें गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारे पति को उसका बड़ा भाई बचा रहा है, तुम उसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। पार्थ को जेल भेजना है क्या? मम्मी जी। माँ मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें जेल जाने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हमने चोरी की नहीं तो रिश्वत क्यों देनी? और वैसे भी हमें भाई के पैसे नहीं चाहिए। पापा समझाइए अपने बेटे को, भाई तो मानेगा नहीं वो। आपको आपके हीरे मिल गए, उम्मीद है अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन दोबारा ये आदमी मेरे ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। गर्व जी, कहां आप और कहां आपका भाई? हाँ ठीक है, क्या रख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। चलो। आखिरकार
अपना रंग दिखाई दिया ना तुमने, पहले दिन ही चोरी कर ली। ये तो पहले से ही क्रिमिनल है, जेल की हवा खा चुका है। इसकी तो इज्जत नीलाम करो, इसके मुंह में काली पोत के सारे शहर में घुमाओ। गर्व जी, जब हमें पता है कि पार्थ ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप ये रिश्वत देकर उन्हें गलत साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप कुछ भी सोचकर परेशान मत होइए पार्थ, आपके अपनों को आप पर पूरा भरोसा। सब जानते हैं कि आप चोरी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकते। ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। और रही बात नौकरी की, तो दोबारा ही नौकरी मिल जाएगी आराम से। और अच्छा ही हुआ कि आपका उस घटिया आदमी से पीछा छूट गया। अच्छा खासा जेल जा रहा था पार्थ, जाने देते उसे, अपने बीच में आके रोका क्यों? और वो भी इतने सारे पैसे देके। अरे वो लोग असली पुलिस वाले थोड़ी थे, हमारे बुलाए हुए ड्रामा कंपनी के लोग थे सारे। क्या बात कर रहे हो गर भाई, पर इतना सारा तामझाम, ये इतना सारा नाटक क्यों? पार्थ, हम कल से ही ना नई नौकरी ढूंढेंगे, और अच्छे लोगों की ना भगवान भी परीक्षा लेते। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। हम पार्थ को अंदर से इतना तोड़ देना चाहते हैं कि सिर्फ उसके शरीर की नहीं, उसके अंदर की हिम्मत की हैकड़ी भी निकल जाए। वो चले तो सही, मगर जैसे रेंगता हुआ, जिंदा रहे मगर जैसे मरा हुआ सा, हौसला रखे मगर टूटा हुआ, चलता फिरता अपाहिज बन जाए बस। हम चाहते हैं कि वो और उसकी बीवी हमारे एहसानों के बोझ के तले दबे रहे, हमारे मोहताज हैं। बस करो मीरा, बस करो, मत दिखाओ हमें झूठे सपने। हम तुम्हारे लिए जो हैं वो दुनिया के लिए नहीं है, क्रिमिनल हैं, और क्रिमिनल का दाग ना हमारे माथे पे लगा हुआ है। हम छोटी सी भी गलती करेंगे ना, लोगों के लिए वो बड़ा क्राइम बन जाता है, कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसी बात नहीं है पार, ऐसी ही बात है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, इन सब से होगा क्या, और ऐसी कौन सी खुशी मिल जाएगी आपको? वो तो मैं समझ में नहीं आएगा, उसको समझने के लिए तुम्हारी तरह सपने होने चाहिए। और वो सपने टूटने चाहिए जैसे हमारे टूटे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हम अब कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, कोई हमें शराफत के चश्मे से नहीं देखेगा। हम समाज सेवा करते करते अपनी जान भी दे देना, तब भी हमारे माथे पे जो कातिल का दाग है वो कभी नहीं मिटेगा। पार्थ, ऐसी बात नहीं, समय समय की बात होती है। अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, फिर हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। बकवास है ये सब, हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है देख रही हूं ना तुम, और आज तक क्या कुछ होता आया, क्या कुछ बर्दाश्त करते आया देखा है ना तुमने। फिर और उससे बड़ी बात, हमारी जैसी तबाही सोच का मालिक होना पड़ेगा। या एक बात तुम्हारे आज तक समझ में नहीं आई है, आप इतने सक्सेसफुल हो, इतना सारा काम है आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी का मकसद मीरा से बदला लेने के इर्द गिर्द ही क्यों घूमता रहता है? हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे।
किसी कीमत पर नहीं। शादी हो रही थी हमारी गर्जी, अभी हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? हमारी शादी के मंडप में पूरी दुनिया के सामने उस लड़की ने हमारी बेइज्जती की थी। उसने वो जख्म दिया है हमें जिसे अब हम खुद नासूर बना के रखना चाहते हैं, ताकि जितना दर्द हमें हो उससे कई गुना ज्यादा हम उसे देते रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि हम ना हम लूजर हैं और हमेशा ही लूजर रहेंगे। मेरा एक काम करो, तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। हमारे साथ रहोगी ना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। क्या आप क्या कह रहे हैं पार्थ? मीरा, सच कह रहे हैं हम। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है मेरा, और हमारे जैसे नकारा के साथ रहोगी ना, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। चुप हो जाइए पार्थ, प्लीज चुप हो जाइए। हम समझते हैं भैया, लेकिन बदला लेने के लिए इंसान का बराबर होना भी तो जरूरी है ना। आपके लिए कभी सही थी नहीं वो, अच्छा हुआ पार्थ के पास चली गई। क्या बोल रहे हो? इस सब का जिम्मेदार पार्थ है, उसी ने बोला था मीरा को हमसे शादी करने के लिए, ये जानते हुए कि मीरा उससे प्यार करती है। अपनी होशियारी में आके उसने पूरी दुनिया के सामने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है, इसमें उसकी बराबर गलती है। उन्होंने मिलकर हमारी जिंदगी के साथ खेला है, तो उन दोनों को बराबर सजा मिलेगी। हमारा तीस सिर्फ हमारा ही नहीं, तुम्हारे पांव की भी बेड़िया बनता जा रहा है मेरा। इससे पहले कि इन टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाओगे, इसलिए बोल रहे हैं मेरा तुम यहां से चली जाओ हमारी जिंदगी से। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पार्थ। हमारा एक ही मकसद है, पार्थ और मीरा को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना, और वो दर्द देना जो हमने सहा है और आज तक सह रहे। गर्व ठाकुर जो कहता है ना, वो करके रहता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जिंदगी आपसे ही है, आपसे अच्छी जिंदगी और आपसे ज्यादा खुशी हमें कोई नहीं दे पाएगा पार्थ। अभी हमारी जिंदगी भले ही दुख भरी हो, लेकिन हम दोनों मिलकर अपना कल खुशियों से भर देंगे पार्थ। वो कहावत तो सुनी है ना आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपनी हिम्मत मत टूटे दीजिए पार्थ, हम वादा करते हैं आपसे, हम दोनों मिलकर एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे, और वो भी हर कदम पर साथ रहकर। तुम देख लेना, हम उन दोनों को अलग करके रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मेरा हम जितना अपने आप को समेटने की कोशिश करते हैं उतना और बिगड़ जाते हैं। मेरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे रहते तो ये दोनों साथ नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं।